हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12th के इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 8.5 की इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर अपॉन 2x³ + 5dx। ठीक है, इसमें लेट करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x³ + 5dx। ठीक है, इसमें लेट करेंगे, लेट 2x³ + 5 इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स 2x³ + 5 इज इक्वल टू डी टी। तो ये आ जाएगा 6x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू, अब हम लोग x² dx की जगह पे लिखेंगे डी टी अपॉन 6। ठीक है, डी टी अपॉन 6, ये 6 इसके अपॉन में चला जाएगा, x² dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 6। ठीक है, और इसको हम लोगों ने क्या सपोज किया था, टी, तो ये हो जाएगा टी। अब 1/6 को बाहर कर लिए, तो ये डी टी अपॉन टी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/6 ये होता है लॉग टी का, लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, आंसर आ गया 1/6। लॉग टी किसे सपोज किया था, 2x³ + 5 + c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x+1/x² + 2x - 9dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आई इज इक्वल टू x+1 x² + 2x - 9 dx। इसमें इसको लेट करेंगे, लेट x² + 2x - 9 इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 dx, इसका तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू, अब इसमें से 2 कॉमन अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 1 dx इज इक्वल टू डी टी। तो x+1 dx इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे x+1 dx है, तो x+1 dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2, तो यहाँ लिख देंगे डी टी अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1/t। तो इसका भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा डी टी अपॉन टी, तो आई इज इक्वल टू आएगा 1/2 लॉग टी, तो ये 1/2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x - 6 + c हो जाएगा, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec² x upon m plus n tan x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू sec² x m plus n tan x dx। ठीक है, तो इसमें लेट करेंगे, लेट m + n tan x को t सपोज करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d अपॉन dx। ठीक है, m + n tan x इज इक्वल टू dt, तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा n sec² x dx इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ हो जाएगा आई इज इक्वल टू sec² x dx को क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन एन लिख सकते हैं, डी टी अपॉन एन, इसे सपोज किया था टी। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा 1/n डी टी अपॉन टी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/n log t प्लस सी, तो 1/n log t की जगह पर m + n tan x + c। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/e^x + e^-x। ठीक है, I इज इक्वल टू लिखेंगे 1/e^x + e^-x dx। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल टू 1/ इसमें से e^-x कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा e^x का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, +1 हो जाएगा यहाँ पे,
डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा e की पावर x ऊपर चला जाएगा, e की पावर x वन प्लस ई एक्स का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लेट करेंगे, लेट e की पावर x इज इक्वल टू t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, e की पावर x का ये हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा e की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी, ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स को टी सपोज के, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका आएगा हमारा ये वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डी टी, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी की जगह पे हम लोग e की पावर x पुट करेंगे प्लस c, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इंटीग्रेशन cos a प्लस बी log x अपॉन x dx, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos a प्लस बी log x अपॉन x dx, ठीक है। तो इसमें सपोज करेंगे लेट a प्लस बी log x, इसको t सपोज कर लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा इसका ज़ीरो हो जाएगा, ये b अपॉन x डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dt, ठीक है। तो हमें dx अपॉन x चाहिए, dx अपॉन x, तो ये हो जाएगा dx अपॉन x इज इक्वल टू डी टी अपॉन बी आ जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस टी, ये हो जाएगा डी टी अपॉन बी, तो वन अपॉन बी बाहर हो जाएगा यहाँ पे, कॉस टी डी टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन बी साइन टी प्लस सी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू वन अपॉन बी साइन टी की जगह पे ए प्लस बी लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एन ए वन प्लस ए लॉग एक्स के पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स वन प्लस ए लॉग एक्स के पावर एन डी एक्स, ठीक है। आई इज इक्वल टू लिखेंगे एन ए वन प्लस ए लॉग एक्स के पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स ए वन प्लस ए लॉग एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है। तो इसमें लेट करेंगे, लेट करेंगे वन प्लस ए लॉग एक्स की पावर एन को टी सपोज करेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी होगा, ठीक है, सॉरी एक्स होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ज़ीरो हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है, सॉरी इसके पावर होल पावर एन था, सॉरी इसका आ जाएगा एन पावर आगे आएगा, ये वन प्लस ए लॉग एक्स के पावर एन माइनस वन, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा ए अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, तो आईज इसको सही से लिख सकते हैं ए एन अपॉन एक्स, ठीक है, वन प्लस ए लॉग एक्स एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ए एन अपॉन एक्स इसको पूरे को हम लोगों ने टी सपोज कर दिया, ये अपॉन हो जाएगा डी टी अपॉन टी, ठीक है। तो इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा लॉग टी प्लस सी, तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू लॉग टी की जगह पुट करेंगे वन प्लस ए लॉग एक्स की पावर एन प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें लेट करेंगे
लेट लॉग कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आएगा वन अपॉन हो जाएगा इसका कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आएगा माइनस का टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का टेन एक्स डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं, तो माइनस का डी टी हो जाएगा अपॉन टी, माइनस का डी टी अपॉन टी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो आई इज इक्वल टू माइनस का लॉग, ठीक है, फिर लॉग कॉस एक्स टी की वैल्यू हो गई सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।